बिहार से है, जहां दिल्ली से पटना पहुंचे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में गैर बीजेपी जो भी राजनीतिक दल के नेता आएंगे, इस बैठक में अपनी बातों को रखेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव कोई व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि देश की जनता का चुनाव है। देश की जनता को अपना नेता चुनना है और इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई चरम पर पहुंच गई है और गरीबों का हक मारा जा रहा है, अमीर होते जा रहे हैं, और इसलिए बैठक जरूरी है। तमाम जो भी विपक्षी दल के नेता आएंगे इस बैठक में अपनी बातों को रखेंगे। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे गए पत्र को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्षी नेता सभी परेशान हैं इस सरकार से और इस बैठक में सब अपनी बातों को रखेंगे और उस बातों पर सभी नेता अमल करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मांझी ने कहा कि जब बिहार आएंगे 23 जून के बाद अपनी बातों को रखेंगे। इस सवाल को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो आता है उसे जाना होता है, किसी का जन्म होता है तो मृत्यु भी होता है, इसलिए सत्ता किसी की बपौती नहीं है। बैठक है विपक्ष की और भाजपा कह रही है कि कांग्रेस को मुक्त करने के लिए बैठक हो रही है। जो बीजेपी कहती है उसी बात को क्यों पूछा जा रहा है? जब सभी विपक्ष दल के सभी नेताओं ने खुल करके एक ही बात कही है कि बैठक किस लिए होने जा रहा है, वो तो स्पष्ट कर ही दिया सब लोगों ने कि बिहार में जो बैठक हो रहा है ये एक संकेत है कि आगे जो है परिवर्तन होकर के रहेगा। अब परिवर्तन इसलिए जरूरी है क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं वो सबसे जरूरी है। ये चुनाव किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी हो रहा है, ये देश की जनता का चुनाव है, तो देश की जनता के मुद्दे पे चुनाव होगा। मोदी के नाम पे चुनाव नहीं होने जा रहा है, एक व्यक्ति को बनाना है हटाना है, ये बात उस विषय है ही नहीं। इस बात को सब लोग कह रहे हैं कि स्पष्ट हो जाइए, ये हमारा जो देश के लोग हैं ये उनका चुनाव है भाई, उनको चुनना है अपनी सरकार, उन्होंने आकलन किया है। और देश की जनता गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है, तो उस आधार पे होगा। हम लोग अपना नीति क्या बनाएंगे, क्या कार्यक्रम होगा, अपनी बात रखेंगे। कितना अहम दिन मानते हैं, कितना अहम दिन मानते हैं, आप लोग पूरे देश में घूमे आप और